I'm sure that you are at home, safe, sound, happy, and of course, positive. Welcome you all to Lockdown Live once again. And today with us, we have our very own celebrity nutritionist and well-being expert, Dr. Varun Katyal. Thank you, sir. Thanks for joining us today. Thank you so much, Priya, for inviting me for this lovely conversation. सो इट मीन्स अ लॉट कि आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला और आज आप हमें फिटनेस टिप्स देने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन में. इट्स इंटायरली अप टू अस दैट वी वॉन्ट टू बी फैट और फिट दिस लॉकडाउन, क्योंकि वी आर वॉट वी ईट, वी नो दैट. सो आज हम आपसे कुछ टिप्स लेने वाले हैं, जानने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दैट बींग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस एक्सपर्ट, हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड विद द ब्यूटी पेजेंट्स इन कॉन्टेस्ट? जैसा कि हम जानते हैं कि आपने इतनी सारी ब्यूटी क्वींस को मेंटर किया है और काफी सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भी जज किया है, सो प्लीज शेयर समथिंग अबाउट दैट. So actually, 2009 में there was someone I knew who was organizing a beauty pageant and you know he said that why don't you come and share some tips with my contestants, you know the contestants of our contest on diet, nutrition, fitness, skincare, and hair care. So that's how, you know, my association with beauty pageant started. When I took that session for the contestants of that contest, they were very happy with the session. They gave a very good feedback about my session, and they really liked the session. So that's how, you know, this association started. And then after that, a lot of beauty pageant organizers started, you know, contacting me to take sessions for their contestants for their beauty pageants and contests. And then after that, some of them also started inviting me as a judge for the auditions as well as for the finale of the contest. सो दैट्स रियली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग. एंड हम लोगों को पता है कि फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, अ पर्सन लाइक यू वुड बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. आपको क्या लगता है कि फिटनेस की क्या इम्पोर्टेंस है एक इंसान के लाइफ में? बेसिकली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिटनेस उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हेल्दी रहने के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यू नो अगर हम ओवरवेट हों, अगर हमारा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, तो इससे बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, PCOD, यू नो इस तरह की प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं. तो बेसिकली फिट रहना ना केवल अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए और एक हेल्दी माइंड के लिए भी. क्योंकि जो लोग फिट रहते हैं, जो प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उनका माइंड भी हेल्दी रहता है और वो ओवरऑल अपनी नॉट ओनली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं पर अपनी वेलबींग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो डेफिनेटली फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी एंड यू नो टू हैव ओवरऑल गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग. आई वुड से एब्सोल्यूटली एप्ट. सो गाइज, आप लोगों ने जैसा सुना हमसे और समझा कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली टू लुक गुड बट ऑल्सो टू फील गुड एंड ऑफ कोर्स टू कीप अ हेल्दी माइंड. सो दिस लॉकडाउन, जिस टाइम आप लोग अपने घर पे बैठे हैं, आपके हाथ में है कि आप फैट हो जाएं या फिट रहें. आज हम आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स इट्स नॉट लाइक एन इम्पोजिशन ऑन यू. यू कैन चूज टू बी फिट और फैट. सो सर, आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं सेशन के लिए और जानना चाहते हैं कुछ नई बातें, कुछ वो टिप्स जो हमें, मतलब मैं तो फिट रहना चाहती हूँ तो मुझे फिट रख सकें और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो फिट वाली कैटेगरी में उन्हें भी फिट रख सकें. सो लेट्स टॉक राइट. समथिंग अबाउट द स्ट्रेस बस्टर फूड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी का एक तरह का रिएक्शन होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से. सो कई बारी जब यू नो तो जो स्ट्रेस है बेसिकली आजकल आई एम श्योर हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रेस किसी ना किसी तरह से. और स्ट्रेस डेफिनेटली आजकल की लाइफ का एक पार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे हमारे को स्ट्रेस कर सकती हैं. तो डेफिनेटली स्ट्रेस को मैनेज करना इफेक्टिवली बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अब स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से
आपकी डाइट और जो फूड्स आप खाते हैं वो एक एक पार्ट है जो आपके स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आर मूड्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द काइंड ऑफ फूड वी ईट. सो उसी तरीके से एंग्जाइटी और डिप्रेशन है. इस टाइम हम लोग स्ट्रेस एंग्जाइटी फील कर रहे हैं. सो व्हाट कैन वी ईट टू रिड्यूस दिस एंड एट द सेम टाइम नॉट गेन वेट. बेसिकली कुछ फूड्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑल काइंड्स ऑफ जो वॉर्म टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन टी है। ग्रीन टी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ग्रीन टी वेट लॉस में भी हेल्प करती है। ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है। इसके अलावा ये स्ट्रेस बस्टिंग फूड भी है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को लो करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा एक और तरह की टी होती है जिसको हम कैमोमाइल टी बोलते हैं। कैमोमाइल टी एक कामिंग टी होती है जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हमारी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ये बहुत लोग जानते हैं कि एक वार्म कप ऑफ मिल्क, बहुत बार कहा जाता है कि रात को अगर आप पीसफुली सोना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीप प्रॉपर हो, तो एक वॉर्म कप ऑफ मिल्क बहुत हेल्प करता है। आजकल तो काफी सारे लोग ये स्लीपलेस नाइट्स एंड एंग्जाइटी फील कर ही रहे हैं. रात को नींद नहीं आती है. तो गाइज यू कैन टेक अ वॉर्म कप ऑफ मिल्क. दैट्स अ रियली नाइस टिप. एंड ऑफ कोर्स ग्रीन टी इज वेरी बेनिफिशियल. इट इट आई थिंक इट मेक्स यू कीप लाइक इट मेक्स यू ग्लो एज वेल. सीन दैट ऑफ थिंग लाइक कोर्स, ऑफ पीपल कोर्स। फील दैट. इनफैक्ट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और ग्रीन टी आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है। सो इसके अलावा डार्क चॉकलेट, जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि आई डार्क लाइक इट. चॉकलेट इज आल्सो अ ग्रेट स्ट्रेस फूड। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डार्क चॉकलेट लेते हैं तो डार्क चॉकलेट्स जिनमें कोको कंटेंट 65% एंड अबव होता है, वो ही आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए। क्योंकि यूजुअली अगर उनमें कोको कंटेंट 65% से कम होता है तो उसमें एडेड शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो। यू शुड चूज डार्क चॉकलेट्स जिनमें कोको कंटेंट 65% एंड अबव हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा डार्क चॉकलेट अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस बस्टिंग फूड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत खाएं। यू शुड डेफिनेटली इन स्मॉलर क्वांटिटीज, मे बी 1 to 2 pieces ऑफ डार्क चॉकलेट विद कोको 65% एंड अबव इज ओके टू ईट इन अ डे। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उनमें विटामिन सी होता है और वो भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऑरेंजेस, कीवीज, गुआवाज, आमला, ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन सी कंटेंट काफ़ी होता है और ये भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक और बहुत ही बेनिफिशियल फूड है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और जो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है, वो है आमंड्स या बादाम। सो बहुत सारी स्टडी ये प्रूफ में स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके अलावा नट्स में वॉलनट्स और पिस्ताशियोज, ये दो नट्स हैं जिनको स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेस बस्टिंग फूड्स थे जो मैंने आपको बताए, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। That's really amazing and insightful. I'm sure that people you have heard these stress busting foods, and अगर जब भी आपको stress feel हो रहा है, you can hop on and munch on to them. And please, please, please remember one thing that in depression we tend to eat a lot and we tend to eat things which are not required by our body. वो झूठी वाली भूख. तो please उसको control में रखिए. Otherwise आपको नहीं पता चलेगा आपका फिर से fat हो जाएंगे. We have discussed about stress buster food. And we just shared this thing that for the stress buster food, we can hop on to this dark chocolates and green tea. Then a hot cup of milk is good for catering to the sleepless nights. Yes, chamomile And tea. almonds and walnuts and pistachios, right?
सो नाउ कमिंग ऑन टू वन थिंग, वी नीड टू पैम्पर आर टेस्ट बड्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बिल्कुल सीधा साधा घिया खा सकते हैं फॉर एवर या सैलेड खा सकते हैं, राइट? वी नीड दोज पिज्जाज, बर्गर्स, मोमोज. तो ऐसी चीजों को भी हेल्दी वे में कैसे मतलब टैकल करा जा सकता है, अपने टेस्ट बड्स को भी रखें बिल्कुल मेंटेन एंड फिटनेस को भी. सो सम टिप्स फॉर दैट. अगर आप अपनी जो भी खाना चाहते हैं आप उसको डेफिनेटली एक हेल्दियर वे में बना सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जस्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स को आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम पिज्ज़ा की बात करें, इफ़ यू लाइक ईटिंग पिज्ज़ा, सो आजकल व्हीट बेसिस अवेलेबल हैं मार्केट में। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैदा वाला बेस फॉर द पिज्जा, यू कैन यूज अ होल व्हीट बेस। सो दूसरा, इंस्टेड ऑफ, सो इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस इवन मोर हेल्दियर, देन यू कैन ऑलवेज यूज समथिंग लाइक हंग कर्ड, लाइक यू नो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ चीज, दो चीज भी मतलब टू अ स्मॉल एक्सटेंट इफ यू ईट चीज इट्स फाइन, बट अगर आप चीज सेब को भी रिप्लेस करके कुछ और हेल्दी यूज करना चाहते हैं जो टेस्टी भी हो, तो आप हंग कर्ड यूज कर सकते हैं पिज्जा बेस के ऊपर। सो यू कैन यूज अ होल व्हीट पिज्जा बेस एंड देन यू कैन यूज हंग कर्ड एंड देन उसके ऊपर यू कैन यूज वट एवर वेजिटेबल्स यू वॉन्ट टू यूज एज टॉपिंग। सो दिस इज अ ग्रेट वे टू यू नो हैव अ हेल्दियर पिज्जा। अगर आपको होल व्हीट बेस नहीं मिलता तो आप किसी तरह की भी रोटी को थोड़ा सा पतला बना के, थोड़ा सा क्रिस्प बना के, यू कैन यूज दैट रोटी एज अ बेस, यू नो, ओह या, इंस्टेड ऑफ सो द यू नो द आटा, बेस। होममेड आटा पिज्जा रादर यस, मैदा. इनफैक्ट वी हैव क्लाइंट्स हु हैव इवन यूज ज्वार का आटा यू नो और रागी का आटा टू मेक द बेस इन द फॉर्म ऑफ अ रोटी एंड देन दे यूज दैट रोटी एज अ बेस फॉर मेकिंग द पिज्जा। सो दिस इज वन। सेकेंड इज अगर आपको बर्गर खाना है तो बर्गर को दो तरीके से आप हेल्दी बना सकते हैं। एक तो ये है कि आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जो होता है बर्गर में, जो इतना हेल्दी नहीं होता, एक तो होता है डीप फ्राइड टिक्की जो अंदर होती है। तो अगर आप उस डीप फ्राइड टिक्की को तवे के ऊपर, रादर देन उसको डीप फ्राई करने के, अगर आप उसको तवे के ऊपर बना लें तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी डीप फ्राइड, सो इट विल बिकम हेल्दियर। सो गाइस, दीज दूसरा, काइंड ऑफ छोटी 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 चीजें भी हाँ आपकी छोटी इतनी इतनी चीजें, इतनी इतनी सारी कैलोरीज रिड्यूस कर सकते हैं. राइट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन बर्गर या ओपन सैंडविच। तो ओपन बर्गर का मतलब होता है कि जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप हटा के सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर टिक्की और जो भी आप वेजिटेबल्स डाल रहे हैं वो डाल के यू ईट इट। सो उससे क्या होगा, तो बर्गर होता है जो मैदे का बना होता है, अगर आप मैदे वाला बन यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप मैदे को हाफ कर रहे हैं, यू आर रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द मैदा टू हाफ। सो दैट्स ऑल्सो अनदर वे, इट्स कॉल्ड एन ओपन बर्गर। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ईट इंटेलिजेंटली एंड सेंसिबली? आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट इंटेलिजेंटली एंड सेंसिबली। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बेसिक्स को करेक्ट करें, क्योंकि बेसिक्स ऑफ ईटिंग राइट को अगर आप करेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए आसान भी होता है और वो आप उसको आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी सस्टेन कर सकते हैं। जैसे हम सब ने आई थिंक 7th या 8th क्लास में डाइजेशन चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि फॉर गुड डाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज टू च्यू योर फूड प्रॉपरली, एंड फॉर गुड डाइजेशन यू नीड टू च्यू योर फूड एटलीस्ट 32 टाइम्स। सो एवरी बाइट ऑफ फूड यू नो यू शुड चू एटलीस्ट 32 टाइम्स फॉर गुड डाइजेशन, बट आजकल लोग हार्डली 10 बार या 12 बार भी चू करते हैं ईच बाइट को। सो टाइम, दिस इज, आजकल आजकल खाने का टाइम निकालने मेरे ख्याल से वही काफी है. हाँ, बट प्रॉब्लम उसकी ये होता है कि जब आप प्रॉपरली अपने फूड को चू नहीं करते तो आप अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन ही सही नहीं कर रहे। तो जब आप अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन ही सही नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको इनडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, वेट गेन, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, क्योंकि जब आप प्रॉपरली अपने खाने को च्यू नहीं करते हैं तो आप ऑब्वियसली ज्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, और जब आप जल्दी खाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि एटलीस्ट
अगर आप अपने किसी भी मील को 20 मिनट से पहले खत्म कर देते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रजिस्टर ही नहीं करता कि आपने कुछ खाया है, बिकॉज द ब्रेन बिकॉज ब्रेन नीड्स यू नो सम टाइम टू रजिस्टर कि यू हैव ईटन अ मील. सो इफ यू फिनिश योर मील बिफोर दैट, योर ब्रेन विल नॉट रजिस्टर दैट यू हैव ईटन एनीथिंग एंड यू विल डेफिनेटली ओवर ईट, बिकॉज आपको वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू हैव ईटन समथिंग. सो इसीलिए प्रॉपरली अगर आप च्यू नहीं करते हैं तो इससे आप तेज खाएंगे, यू विल ईट फास्टर, यू विल ऑब्वियसली हैव प्रॉब्लम्स ऑफ इनडाइजेशन, यू विल हैव प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लोटिंग, यू विल ऑब्वियसली गेन वेट बिकॉज यू आर गोइंग टू ईट मोर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू ईट फास्ट. सो ऑल दीज इश्यूज आर रिलेटेड टू दिस बेसिक स्टेप ऑफ च्यूइंग योर फूड प्रॉपरली. अगर आप 32 टाइम्स नहीं च्यू करना चाहते हर बाइट ऑफ फूड को, इट मे बी अ लॉट ऑफ एफर्ट, एटलीस्ट यू शुड ट्राई एंड च्यू एवरी बाइट ऑफ फूड एटलीस्ट 20 टाइम्स. दैट इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस. आप देखेंगे कि उससे आपकी स्पीड ऑफ ईटिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, आपकी डाइजेशन बेटर होगी, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिटी एंड ब्लोटिंग कम हो जाएंगी और ऑब्वियसली आपका वेट लॉस भी बेटर होगा क्योंकि आप ऑब्वियसली कम खाएंगे, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा कि आपने खाया है. दैट इज रियली इन्फॉर्मेटिव. मतलब हमने सुना था हमेशा कि 32 टाइम्स आपको च्यू करना बहुत जरूरी है, बट हमें कभी ये नहीं पता था कि अगर हम नहीं कर रहे हैं वो चीज जो हम नहीं कर रहे हैं वो कितना ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है और हो रहा है. सो गाइज प्लीज कीप बिल्कुल दीज असेंशियल टिप्स इन माइंड एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ हेल्दी लाइफ. सर नाउ वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी बूस्टर फूड, बिकॉज आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस की सिचुएशन है एंड अ गुड इम्यूनिटी इज रियली असेंशियल टू फाइट दिस डिजीज ऑल्सो, टू प्रिवेंट दिस डिजीज ऑल्सो, एंड अदरवाइज ऑल्सो इम्यूनिटी इज ब्यूटी फॉर एवरी वन. सो वी वुड लाइक टू हैव सम गाइडेंस इन दिस रिगार्ड दैट इम्यूनिटी बूस्टर फूड क्या होते हैं एंड कौन सी चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में टू हैव अ बेटर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स होते हैं, मैं कुछ फूड्स के बारे में बताना चाहूंगा. सबसे पहले है विटामिन सी रिच फूड्स. जो फूड्स विटामिन सी में रिच होते हैं दोज फूड्स आर वेरी इफेक्टिव टू यू नो बूस्ट योर इम्यूनिटी. सो विटामिन सी रिच फूड्स आर इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आमला, ऑरेंजेस, कीवीज, गुआवास, ये सब यू नो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं. यू सिट्रस हेल्प कर फ्रूट्स. सकते सिट्रस फ्रूट्स, यस. इसके अलावा डार्क चॉकलेट, हमने ऑलरेडी बात की है, डार्क चॉकलेट में भी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. जिंजर और गार्लिक जो हम काफी यू नो यूज करते हैं इंडियन कुकिंग में, तो जिंजर एंड गार्लिक में भी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. ग्रीन टी, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, ग्रीन टी helps in reducing stress also and it is also very good in boosting your immunity. Almonds जो हैं वो भी immunity boost करने में काफी help करते हैं. इसके अलावा हल्दी दूध, that is our granny's mantra. Right, right. इसके अलावा कुछ spices हैं जो हम use करते हैं अपनी cooking में, जैसे हल्दी, turmeric, जीरा, coriander और लहसुन, garlic. ये definitely immunity boost करने में हमारी help कर सकते हैं. तो ये कुछ फूड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं एंड दीज आर सम ऑफ द इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स. सो आई एम रियली श्योर दैट एज वी हैव डिस्कस दैट इम्यूनिटी एंड स्पेशली एट दिस टाइम इज रियली इम्पॉर्टेंट, वी विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड एंड वी वुड रियली इनकॉर्पोरेट. हम लोग अपनी डाइट में कोशिश नहीं करेंगे चीजों को इनकॉर्पोरेट. आपने हमारे साथ शेयर किया दैट जिंजर इज गुड, गार्लिक इज गुड, देन हल्दी, हल्दी वाला दूध हमारी ग्रानी ने हमें बचपन से सिखाया है, कोई भी चोट लगे या आपको अच्छा से फिट रहना है तो हल्दी वाला दूध पिला दो, इट विल हील, इट्स अ हीलर एज वेल. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डार्क चॉकलेट अ गुड वे, बट देन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एज वी शेयर्ड, सो प्लीज कीप इट इन मॉडरेशन. And we have some questions also from their side for you. So I would request you guys,
यू आर वॉट यू ईट. सो दिस सेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द लॉकडाउन टाइम्स वेयर यू कैन जस्ट ब्रेक योर सेल्फ ऑल्सो एंड यू कैन मेक योर सेल्फ एज वेल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट थिंग्स. उसी तरीके से आपका मूड भी होगा. मूड इज रिलेटेड टू योर फूड. सो हम लोग इसीलिए आज आए हैं ताकि हम थोड़ा सा इंस्पायर कर पाए और जितनी नॉलेज है वो शेयर कर पाए आपके साथ ताकि सब लोग बेनिफिट लें. सर देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आंसर देम फॉर द पीपल हु हैव पुट देम. फ्रॉम नितिका एंड शी आस्क्ड अस दैट ईटिंग अर्ली 4 hours बिफोर स्लीप इज इट अ गुड हैबिट. यस इट्स वेरी गुड बिकॉज एक्चुअली डाइजेशन टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours to complete. So that's why your last meal of the day should be at least 3 to 3.5 hours prior to your bedtime, at least 3 hours prior to your bedtime, because this way your food will be properly digested before you go to bed. So that's why we say that you should at least have last meal of your day at least 3 hours prior to your bedtime. Okay, so Nitika, yes, definitely it's a good habit, and just like channelize it and start doing it if you're not, and if you're already doing it, keep on doing it. Now Ayushi wants to ask us that is it fine to eat a bowl of oats at the time of lunch? Yes, it's fine, but the kind of oats you are eating are very important. Means that you should ideally eat whole oats or rolled oats and not white oats. Okay. Because white oats don't have a lot of fiber, you know. So the healthier oats are whole oats or rolled oats. And definitely it is okay to eat whole oats or rolled oats as a meal in lunch. You can always make it healthier by adding a lot of veggies to the whole oats or rolled oats. So add a lot of vegetables, make it colorful, and just enjoy your meal. Now we have a question from Vishal, and he wants to ask us that if you take garlic in morning in water, is it good? Yes, because as I said, garlic has immunity boosting properties. So definitely, you know, it's good because it will help to boost your immunity. Mm-hmm. Garlic and ginger both have immunity boosting properties. So if he's taking garlic in the morning, then definitely it will help to boost his immunity. So Vishal, just if you are having garlic, it will boost your immunity, and it's good in these times. So just go for it and keep on enjoying a healthy lifestyle. So now next question is from Rituji, and Miss Ritu Kohli, she wants to ask that which food is really good to boost your metabolism? Like I already said, green tea is a great food to boost your metabolism. There are a lot of studies that show that green tea helps to, you know, boost your metabolic rate. So definitely green tea is a good food to have to boost your metabolism. Okay. So Rituji, green tea, the mantra to reduce weight and boost your metabolism. Vishal is saying a thanks to you. I would like to add here, even hot water, you know, even hot water is shown to increase our metabolism. Here a question crops up in my mind, that is that as you said that hot water is also nice to you know, boost your metabolism, but then I have been hearing this also that too much of hot water makes you bloat sometimes. So cold water is preferable. Body is hot inside. Yeah, always remember, too much of anything in diet and nutrition is a no-no, you know. So what's the right time? Yeah, and right amount. Diet and nutrition is always moderation, because even the most healthy foods can be bad for you if taken in excess. True. So what's the best quantity and right time for the lukewarm or hot water? Hot water around 2 glasses. Some people tend to take it the entire day. No. Having 2 glasses of hot water in a day is more than sufficient. Okay, so 2 glasses of hot water is the right amount. Guys, green tea is a metabolic booster, and hot water, these are beneficial. But then again, as he has also shared, that excess of everything is bad. So moderation is beauty, and we're definitely going to follow it. Okay, Vishal has just extended his question, and he's just asking one thing, that immunity booster to hai garlic, but then does it help in reducing fat as well?
See, there are no conclusive studies to say that just eating garlic can help you, you know, reduce. ओके सो विशाल, ऐसी कोई अभी हमारे पास वैलिडेशन नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर. बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज टू शो दैट अ लॉट ऑफ इंडियन स्पाइसेस लाइक यू नो लाइक सिनेमन लाइक व्हाट यू से धनिया, जीरा, यू नो टर्मरिक, ऑल दीज इंडियन स्पाइसेस व्हिच वी यूज इन आवर कुकिंग, दे डेफिनेटली हैव अ रोल. They definitely have a role in increasing your metabolism, and they can help in losing weight. So, a lot of Indian spices which we use in cooking can definitely help in increasing the metabolism, and they can help in weight loss. Okay, so that can be a weight reduction thing, the spices, but definitely right. There's no validity about garlic as such. There is no such conclusive study to show that. Just eating garlic can help in reducing fat. Okay. And so somebody is asking that which brand of dark chocolate do you suggest to have? There are a lot of brands actually. So I think I will not like to just name one brand. But any dark chocolate which has cocoa content 65% and above is healthy to eat. But of course, in smaller quantities, you should not eat a lot of dark chocolate also. Just 1 to 2 pieces of dark chocolate in a day are more than enough to have. Okay, so I think we have answered all the questions, and there was like people have asked you that please share your healthy tips also, which you are actually following these days, so that others can get inspired. We'll flash them on the screen. So till then, I would like to know that how you are spending your lockdown days. So I'm trying to keep myself busy by doing a lot of productive things. So one of them is that I do 2 Insta live sessions every day. So one is I have attended them. Pretty interesting and informative. Like, it's good to see different people every day interacting. Yeah. So one is the Insta live series which I do every day in the evening at around 5 PM is called Talk to the Experts. So there I'm in conversation with experts from different fields of work who have made a mark for themselves in their field of work. And the second Insta Live series, which I do around 7 PM every day, is basically called Stars of Pageantry, where I'm in conversation with winners of different prestigious pageants, where they share their journey, they give some tips and advice to pageant aspirants. So guys, if you want to meet them, do join them on his Instagram handle and enjoy the conversations. I'm sure you're going to gain a lot. Besides that, I also am trying to exercise, whatever exercise I can do at home, I'm trying to do it every day. I'm trying to do some cooking. Since we have an online diet program, so we have a lot of clients who are still following our online diet program. So I also have work every day for around 4 to 5 hours, so I have to check their updates, I have to counsel them, I have to check whether they are following their diet properly by checking their updates and daily diet diaries. So this is how I'm trying to spend my time. So during the talk, we all thank you a lot for taking your valuable time for us from your busy schedule. And now there's one topic which is still pending, and that was about mindful eating. I would like to share something about that, some information regarding mindful eating and the importance of mindful eating. How important is it to think before you eat or what you are eating? Basically, what happens is that, your body and mind have a very strong connection. So if you're not eating with concentration, then obviously your brain will not register that you have eaten. Mm-hmm. And then you will keep getting cravings the whole day, and because you will not feel full. So that is why eating mindfully is very important. Eating mindfully means using all your senses to eat properly. So that is what we discussed in that 32 times chewing part as well. It's very important. So that's one part of mindful eating. But the other most important part in mindful eating is that you need to basically free yourself from all the gadgets while eating. Okay. So it's called gadget-free eating, which means that when you're eating,
when you are eating, you should always be sitting. That's the first thing. The second thing is that you should always try and chew your food properly. So like I said, that at least try and chew every bite of food at least 20 times. And then the third is that when you are eating, then no gadget should be on, which means your phone, your laptop, television, nothing should be on. When you are eating, then you need to focus only on the act of eating. And this is called mindful eating, you know, using all your senses to eat food. And that kind of helps you not only to eat the right amount, it also helps you to feel full. It helps you to decrease your cravings. It definitely, over a period of time, helps you to lose weight as well. Okay. You know, so because when you are eating mindfully, you will never overeat. Right. And you will not get cravings to eat wrong food. And you will not get cravings to overeat. So that definitely helps. Basically, your entire focus should be on your food. Yes, yes. So for example, you know, you must have seen that a lot of times when we are watching a movie in a cinema hall, we sometimes buy a big tub of popcorn. And while watching the movie, we don't even realize that we finished the entire tub of popcorn till the intermission. Very true. And then, and then in the intermission also, we still feel hungry. Because we never loved the popcorn. The entire focus was on the picture. That's true. Yeah. Yes, because that's a very, very common example of unmindful eating. You know, because your whole focus and concentration is on the movie. And that's why when you're eating this way, you will never register that you have eaten something and you will never feel full. So even after eating so much of popcorn, you'll still feel hungry. And, you know, you will want to eat something during... On this, sir, I would like to share one of my thoughts which just suddenly came to my mind, that your food will definitely love you when you give your undivided attention to it. So, अपने फूड से प्यार करिए तभी वो आपसे प्यार करेगा और आप फिट रहेंगे, जो हमारा मोटिव है आज के सेशन का भी, आपको फिट रखना इन लॉकडाउन डेज में. वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड इट इज दैट इज कीटो डाइट गुड फॉर डायबिटीज डायबिटिक्स. यू हैव समथिंग टू से रिगार्डिंग सी देयर इज सी टू बी ऑनेस्ट यू नो कीटो डाइट यू नो इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल डाइट इन द लॉन्ग टर्म. Because in keto diet, you know, one food group, which is carbohydrates, are completely eliminated from your diet. So any diet which asks you to completely eliminate a whole food group, whether it's carbs or proteins or fats from your diet, will never be sustainable and it can never be followed for a very long time. Right. And it's also not practical. So keto diet is an example of a diet which is not sustainable. And it's not very practical also, because it asks you to eliminate an entire food group, which is carbohydrates, from your diet. So I usually don't recommend a keto diet. So guys, balance is beauty. We need to have every flavor in life, but in moderation. आप अपनी लाइफ से कुछ भी हटा देंगे तो फिर जब उसको वापस से ज्वाइन करेंगे ना तो एक्सेस में करेंगे, which is not good. अभी कोई पूछ रहा है मुझसे दैट वजन कैसे बढ़ाएं. सो वजन बढ़ाएं, ये भी बहुत बड़ी मिथ है वजन की. सी, वेट इज नॉट जस्ट द वेट ऑफ फैट. तो जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो जो टोटल वेट आता है 70 केजी या 65 केजी, दैट इज बेसिकली द टोटल वेट ऑफ योर बोन्स, मसल्स, वाटर एंड फैट टुगेदर. सो यू कैन लूज वेट बाय लूजिंग एनी ऑफ दिस फोर, एंड यू कैन gain weight by gaining any of these four. So when we talk about weight gain, there are two types of weight in the body. The bad weight of the body is the excess fat in the body. But the good weight of the body is the bone weight and the muscle weight, called the lean body weight. And this good weight has to be increased, which means that if you want your metabolism to be fast, your lean body weight, which is your bone weight and muscle weight, should be more. So okay. That is why basically one needs to understand ki jab aap weight gain ki baat karte hain, to you should actually work on gaining the good weight of the body, which is your bone weight and muscle weight. And that can be done by a combination of good diet and exercise. So I hope you got your answer.
So, thanks for inspiring us and answering our questions, giving us so much of knowledge, which is really relevant in these days. And at the end of the session, I would like to have an inspirational message from your side now for the viewers to keep those pointers in mind during these lockdown days. So the fad and the fit choices I in think, their hands, as we yeah, have discussed. I think this journey of being fit is basically a mindset. So, you need to work on making, I mean, you need to have a goal. So, subsequently, you should set a goal in your mind that this is the goal I want to achieve, this much weight I want to lose, this is the fitness level I want to reach, and then divide that long-term goal into smaller short-term goals. So have a long-term goal of being more fitter or, losing more weight, and then divide that long-term goal into small short-term goals and tell yourself कि अगले 2 हफ्ते में मेरे को इतना वेट लूज करना है, अगले 2 हफ्ते में मुझे अपना जो स्टैमिना है वो इतना बढ़ाना है. तो इस तरह से जब आप अपने गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाता है. दूसरा, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट योर माइंड एंड बॉडी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. सो ऑलवेज वर्क ऑन योर बॉडी एंड माइंड टुगेदर. सो यू शुड हैव अ हेल्दी माइंड एज वेल एज अ हेल्दी बॉडी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक यू शुड, वंस यू स्टे पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव थॉट्स, योर माइंड ऑल्सो हेल्प्स यू इन अचीविंग वॉट एवर गोल यू वॉन्ट टू अचीव, वेदर इट इज वेट लॉस, बिकमिंग मोर फिट, और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग समथिंग. सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. So guys, anything you can cope, but definitely not without hope. So positivity is the mantra and sure victory in every and any field. Thank you, sir. Thank you once again for coming to the show, Lockdown Live, and sprinkling your joy on us, your knowledge on us. And we are really eager to meet in person again after this lockdown. So till then, take So care, much, stay home, stay happy. thank you so much, Shriya, for inviting me. It was my pleasure and honor to be here. थैंक यू बाय सी यू सून. बाय, सी यू सून. जैसा कि अभी हमने सुना और समझा दैट लॉकडाउन में फैट रहना है या फिट रहना है वो इंटायरली आपके हाथ में है. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीजें चूज करिए जिनसे आप शेप में रह पाए, फिट रह पाए. क्योंकि वेट अगर एक बार बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है. वोंट यू अग्री? सो जितना ज्यादा फिट रहेंगे उतना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे, और स्ट्रेस भी कम होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा. बी इन